ओके, तो आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे, ये समझना और जानना बहुत जरूरी है कि जिस पर हम विश्वास करते हैं, क्यों करते हैं विश्वास। अगर आपको ये समझ ही नहीं आया कि जिस पर आप विश्वास करते हैं वो कौन है और हमारा विश्वास क्या है और हम क्यों विश्वास करते हैं, उससे क्या लाभ हो सकता है, जब तक ये बातें नहीं पता तब तक विश्वास करके कुछ फायदा नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको समझाऊंगा अंधविश्वास और विश्वास में फर्क क्या होता है। ठीक है, अंधविश्वास का मतलब होता है अंधा विश्वास। अंधा विश्वास किसी भी वजह से हो सकता है। हो सकता है कि बचपन में जब आप बड़े हो रहे हो और किसी ने सिखा दिया कि भाई अगर काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो जाना नहीं चाहिए, अपशगुन होता है। अब आप बच्चे थे, छोटे थे, आपको पता नहीं था, तो क्या हुआ, आपने मान लिया उस बात को। जब आप बड़े हो रहे हैं तो मन में बैठा हुआ है वो, उससे क्या हो रहा है कि जब भी काली बिल्ली जाएगी आप रुक जाएंगे वहां पे, कहेंगे अब मैं रास्ता नहीं, इसने रास्ता काट दिया, मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? बचपन से बिठा दिया दिमाग में, लेकिन कभी सोचा नहीं, कभी जाना नहीं कि सच्चाई है कि नहीं इसमें। बहुत से मेरे ऐसे दोस्त हैं जो यहाँ पे एक तावीज बांध देते हैं। मैं उनसे पूछता हूँ, तावीज क्यों बांधा आपने यहाँ पे? ये अच्छा लक होता है इससे। किसने दिया? एक बाबा ने दिया था। कितने पैसे में? 500 रुपये लिए थे उसने। मैंने कहा कि अगर कभी गलती से ये टूट गया, गिर गया नहाते टाइम, या खराब हो गया ये, तो आपका लक खत्म हो जाएगा उसके बाद। उसका कोई जवाब ही नहीं उसके पास। क्या हुआ? अंधा विश्वास। धागे बांधते हैं हम लोग, पूरे हिंदुस्तान में सबके पास धागे हैं, धागे बहुत बिकते हैं यहाँ पे। कभी पूछा है कि धागा क्यों बांधते हैं हम, इससे क्या होता है? कोई नहीं पूछता। क्यों? क्योंकि जो हमारे समाज में, हमारे धर्म में सिखा दिया गया कि भाई ये सच्चाई है, इसको मानो तो भला होगा तुम्हारा। पहले तो मेरा सवाल यह है कि क्या दुनिया में सबका भला हो रहा है? जितना हम समाचार सुनते हैं रोज, रेडियो में, टीवी में देखते हैं, समाचार पत्र में पढ़ते हैं, किसके जीवन में भला हो रहा है? अगर ध्यान से देखा जाए तो सबके जीवन में मुसीबतें हैं, तकलीफें हैं। धागे बांध लो, तावीज़ बांध लो, टीके लगा लो, माला लटका लो, फिर भी मुसीबतें, समस्याएं किसी की भी खत्म नहीं होती है। तो इस बात में क्या सच्चाई है? सच्चाई नहीं होती उसमें, अंधविश्वास होता है वो। मनुष्य को ऐसा लगता है कि मैं बीमार हूं तो जल्दी से मुझे को ठीक कर दे, तो वो सबके पास जाता है। पहले एक डॉक्टर के पास जाएगा, फिर दूसरे के पास जाएगा, फिर तीसरे के पास जाएगा। कुछ दिन इससे आराम मिलेगा, कुछ दिन बाद देखा उससे आराम नहीं मिल रहा तो दूसरे के पास चला गया। वो भागता रहता है, भटकता रहता है। ऐसे ही मनुष्य की हालत है। परमेश्वर के बारे में सच्चा ज्ञान उसे होता नहीं है और वो भटकता रहता है। तो उसके बीच में क्या होता है, बहुत से ऐसे लोग आ जाते हैं जो परमेश्वर का सच्चा ज्ञान उनके पास नहीं होता, लेकिन वो लोगों की कमजोरी का फायदा उठाते हैं। कैसे? जब वो देखते हैं कि इसके जीवन में बहुत समस्याएं हैं, उसको बोलेंगे भाई आपके जीवन में क्या समस्या, शादी की तकलीफ है, नौकरी की तकलीफ है, या आपकी पत्नी से झगड़ा होता है, या सौतन की तकलीफ है, या किसी ने जादू टोना कर दिया है, काला जादू कर दिया किसी ने, ऐसे सारे तकलीफों की लिस्ट बना रखी होती है उन्होंने। क्योंकि उनको पता है कि मनुष्य के जीवन में कोई ना कोई तकलीफ तो होगी। तो वो क्या बोलते हैं मालूम है? हमारे पास आइए, एक बार आजमाइए। उस एक बार आजमाने में हो सकता है आपका 500 रुपये लग जाए या 1,000 रुपये लग जाए। बोलेंगे आपको इसमें लाभ मिलेगा, एक बार आइए। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी बताते हैं वो, भभूति देते हैं या कुछ भी देते हैं, या मंत्र पढ़ते हैं, या कुछ भी करते हैं। जो भी लोग तांत्रिक भी होते हैं बहुत सारे, झाड़ू फूंक करते हैं, कहते हैं तुम्हारे अंदर दुष्ट आत्मा है, हम निकालेंगे, सब ठीक हो जाएगा। तो आदमी उस मजबूरी में कह लो या अंधे विश्वास में कह लो, उसके पास जाता है, 500 1,000 रुपये देता है, फिर 2-3 महीने तक उसका कुछ नहीं होता, तो फिर वो सोचता चलो ठीक है, 500 ही गए ना मेरे। तो हुआ क्या, 500 500 देने वाले उसके पास तो कम से कम 2,000 आदमी है, सब अंधे विश्वास में आ रहे हैं, उसका तो बिजनेस चल रहा है। ठीक है, आपको लाभ नहीं हो रहा है। तो ऐसे लोगों ने दुकानें खोल ली हैं बहुत सारी। सच्चा ज्ञान जो परमेश्वर का होता है वो परमेश्वर ही दे सकता है। जब तक परमेश्वर इंसान को नहीं देगा उसे नहीं पता चलेगा। और परमेश्वर के देने के कई तरीके होते हैं। उसने मनुष्य को क्या दिया होगा? उसने मनुष्य को बुद्धि दी है। जो आप फैक्ट्री में काम करते हैं बिना बुद्धि के कर सकते हैं क्या? आप जो कुछ आपके जीवन में हो रहा है, आप दुकान में जाते हैं, वहां पर पैसा देना होता है आपको, 2 रुपये 4 रुपये हिसाब करना होता है, बिना बुद्धि के कर सकते हैं क्या आप? तो वो बुद्धि जो मनुष्य को उसने दी है, उसी बुद्धि से तो वो मनुष्य को कहता है कि भाई मैंने तुम्हें बुद्धि दी है तो सोचो समझो जानो कि मैं कौन हूं, इसलिए तो दी है मैंने तुमको बुद्धि।
सिर्फ इस पृथ्वी के जीवन के लिए थोड़ी दी है मैंने, संसार के लिए, वो तो एक दिन तो मर ही जाओगे यहां पे। जानवरों को मैंने वैसे बुद्धि थोड़ी दी है जैसे मनुष्य को दी है। जानवर को थोड़ी पता है कुछ भी, वो थोड़ी ना दुकान में जाके हिसाब कर सकता है, वो थोड़ी ना फैक्ट्री में आके मशीन चला सकता है। मनुष्य को दी है उसने विशेष बुद्धि। उत्पत्ति का 1:6, जब आप आगे जाके बाइबल पढ़ेंगे ना, उत्पत्ति का 1:26 और 27 ये कहता है कि मनुष्य को परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया, इसलिए मनुष्य जो है वो खास है, विशेष है, जानवरों से अलग है वो। इसलिए मनुष्य सिर्फ विकास करता है, जानवर नहीं करते हैं। आज से कोई 50 साल पहले ये सब एरिया जो था वो यहाँ पे खेती होती थी, आज बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई हैं। पहले हमारे देश में 2 मंजिल की बिल्डिंग बनती थी, फिर 3 की शुरू हुई, फिर 4 की हुई, आज इस एरिया में 5 की हैं। बॉम्बे चले जाओ तो 25, 30, 30 मंजिल की बिल्डिंग है। न्यूयॉर्क अमेरिका चले जाओ तो वहाँ 100-100 मंजिल की बिल्डिंग है। उल्टा आप सऊदी अरेबिया चले जाओ, दुबई चला जाओ, वहाँ 150 मंजिलों की बिल्डिंग बना दी मनुष्य ने। इतना विकास बुद्धि से किया उसने, लेकिन उसी बुद्धि से वो परमेश्वर को नहीं ढूंढता है। उसको लगता है कि मेरी समस्याओं का समाधान जो है या तो मुझे करना है या फिर किसी दूसरे मनुष्य को करना है। वो कभी ये नहीं सोचता कि जब मैं मनुष्य होने के नाते अपना समाधान नहीं निकाल सकता तो दूसरा मनुष्य कैसे निकाल सकता है। कोई ऐसा जो हम सबसे बहुत शक्तिशाली है, जिसने हमें बनाया है, वही तो निकाल सकता है इसका समाधान, ऐसा नहीं सोचता मनुष्य। इसलिए वो अंधविश्वास में फंस जाता है। दूसरा कारण ये होता है, मनुष्य को बहुत जल्दी होती है शॉर्टकट। अगर कोई तकलीफ में, उसके जीवन में कोई तकलीफ है समझ लीजिए, किसी प्रकार की भी समस्या है, और अगर उसे समझाते हैं कि देखिए आप परमेश्वर के पास आइए और परमेश्वर आपके समस्याओं का भी समाधान करेगा और आपको एक अच्छा जीवन देगा, तो वो मनुष्य पता क्या बोलेगा, ठीक है परमेश्वर होता है, अल्लाह होता है, भगवान होता है, गॉड होता है, वो सब ठीक है, लेकिन क्या मेरे समस्या का समाधान आजकल में हो जाएगा। उसको जल्दी होती है। मतलब क्या हुआ, उसको परमेश्वर की आवाज़ नहीं सुननी अभी भी, अपना ही स्वार्थ है कि मेरा काम हो जाए। हो सकता है कि वो गड़बड़ जो उसके जीवन में चल रही है वो उसकी खुद की वजह से हुई हो, खुद के स्वार्थ की वजह से हुई हो, खुद के लालच की वजह से हुई हो, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर के पास जाके क्षमा नहीं मांगेगा। वो कहेगा बस कोई मेरा इलाज कर दे, कोई मेरी समस्या का समाधान कर दे। इसलिए वो फंसता है ऐसे लोगों के पास जो उसका फायदा उठाते हैं कि हमारे पास आओ, हमारे पास आओ, और ऐसे बहुत है। तो मेरे एक मित्र थे जिनके बेटे को तकलीफ थी बहुत ज़्यादा, तो वो उनको लेके गया, किसी ने बताया एक बाबा हैं वो ऐसे कुछ भभूति देते हैं उससे वो ठीक हो जाता है। भभूति दी, कुछ फर्क नहीं पड़ा, और कम से कम 1 साल के बाद उस बच्चे का देहांत हो गया, वो मर गया। तो जिसने भभूति दी उसको तो पैसा मिल गया, तो क्या फायदा ऐसे जाके वहां पे। इनके जालों में मत फंसो। सच्चा परमेश्वर जो है ना, पहली बात तो आपसे पैसे नहीं मांगेगा किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए। इसलिए जो सच्चे परमेश्वर के लोग होंगे वो जब भी आपके पास आएंगे प्रार्थना करवाने के लिए या आपके लिए कुछ भी मदद करने के लिए, वो आपसे पैसे नहीं मांगेंगे। वो सबसे पहला सबूत होता है कि ये सच्चे परमेश्वर की तरफ से आए हैं। कोई बिजनेस नहीं कर रहे वो कि मुझे परमेश्वर ने भेजा, लाओ इतना पैसा दो मैं तुम्हारी समस्या का समाधान कर दूंगा। वो परमेश्वर की तरफ से हो ही नहीं सकता। आप देखो चारों तरफ, धूप जिसके बिना हम नहीं रह सकते, रोशनी जो सूरज से आती है उसके बिना हम नहीं रह सकते, क्या परमेश्वर उसका कोई मोल लेता है हमसे? क्या बारिश जिसके वजह से फसल निकलती है, क्या परमेश्वर उसका कोई मोल लेता है हमसे? परमेश्वर किसी चीज का मोल नहीं लेता। वो कहता है कि मैंने तो तुम सबको बनाया है, मेरी तो सृष्टि हो, मेरे तो बच्चे हो तुम लोग, अपने बच्चों से कौन सा पिता होगा जो पैसे मांगेगा। तो इसलिए जो सच्चे परमेश्वर की तरफ से आएगा वो आपसे पैसे नहीं मांगेगा, लेकिन वो आपको झूठ भी नहीं बोलेगा, वो आपको कोई झूठी तसल्ली भी नहीं देगा कि भाई यहां पे आओ और कल आप ठीक हो जाओगे। नहीं, वो आपको परमेश्वर का ज्ञान बताएगा जो आपको समझ आएगा, क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर ने एक बुद्धि डाली हुई है और साथ में आपके अंदर एक दिल भी दिया हुआ है जो सच्चाई को पहचानता है। अगर कोई आदमी आपसे झूठ बोल रहा होता है, दुकानदार या कोई दोस्त या कोई ऐसा आदमी जिसने आपसे पैसे मांगे थे वापिस नहीं कर रहा, अगर वो झूठ बोल रहा होता है तो आपको पता होता है कि झूठ बोल रहा है, बहाने बना रहा है। कैसे पता होता है? बुद्धि और दिल से पता होता है हमें। तो इसलिए परमेश्वर भी ये कहता है कि मैंने तुम्हें वो सब कुछ दिया है अपने अंदर जिससे तुम मुझे जान सकते हो, और मैंने तुम्हें इसीलिए बनाया। परमेश्वर ने जब मनुष्य की सृष्टि करी थी तो उसने बनाया सिर्फ इसलिए था कि मनुष्य परमेश्वर को जान सके कि वो कौन है।
और उसका प्रेम ग्रहण कर सके और उससे प्रेम कर सके और उसके परिवार में सदा के लिए रहे। तो जैसे हमने पिछले बाइबल स्टडी में अमित और आप आए थे कि आदम ने जो पाप किया, जैसे मैंने 24 तारीख को दिखाया था, जिसकी वजह से हर मनुष्य के अंदर पाप आ गया। आज हम कहने को ऊपर से शांति की बातें करते हैं, भाईचारे की बातें करते हैं, लेकिन अंदर से हमेशा लड़ाई झगड़ा होता है। अगर कोई आदमी बेईमानी कर रहा है या अपना फायदा देख के आपका नुकसान कर रहा है, उससे आप दो सवाल पूछोगे ना, वो भड़क जाता है, क्योंकि उसके अंदर झूठ है। ठीक उसी तरह हमारे अंदर भी झूठ है, हम भी बहुत बार स्वार्थ में आके झूठ बोलते हैं, लालच करते हैं, कभी कभी नफरत करते हैं दूसरों से, हमारे अंदर भी वही पाप है। तो परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर कहता है कि तुम लोग इस अंधविश्वास में इसलिए फंस रहे हो क्योंकि तुम अपने लालच, अपने स्वार्थ से बाहर निकलना नहीं चाहते। हमेशा अपने अपने बारे में सोचते हो कि बस मेरा सब कुछ सही हो जाए, मेरा सब कुछ ठीक हो जाए, इसीलिए तुम स्वार्थ में फंसे रहते हो। और ये स्वार्थ जो है, एक बाप और बेटे के बीच में भी होता है, एक पति और पत्नी के बीच में भी होता है, भले उनके बीच में प्रेम होता है, लेकिन फिर भी मनुष्य अपने बारे में सबसे पहले सोचता है, पत्नी के साथ भी हमेशा ऐसे ही होता है। तो परमेश्वर कहता है वो इसलिए है क्योंकि तुम्हारे अंदर पाप है। अगर पाप नहीं होता तुम्हारे अंदर, तो तुम दूसरों के बारे में पहले सोचते हैं, स्वार्थ नहीं होता तुम्हारे अंदर। फिर उस पाप की वजह से परमेश्वर कहता है तुम्हारी आंखें बंद हो रखी हैं, शैतान ने बंद कर दिया है, क्योंकि शैतान उस पाप का लाभ उठा के तुम्हें भड़काता रहता है और गलत गलत काम करवाता रहता है। आज हमारे देश में कितने ही लोग, खासकर जो जिनके पास ज्यादा धन नहीं है, जो थोड़े गरीब हैं, कितने ही लोग तंबाकू खा खा के मर जाते हैं, कैंसर हो जाता है माउथ में। सवाल यह है कि क्या हमारे अधिकारियों को ये मालूम नहीं है कि तंबाकू से बहुत से गरीबों की जान जा रही है? सस्ते में मिलता है ना वो, बहुत जो महंगी शराब होती है, जो 5-5 हज़ार की मिलती है, वो तो गरीब आदमी ले नहीं सकता, तो वो छोटा समाधान निकाल लेता है। और उसका खाने को उसके पास बेचारे के पास अच्छा कुछ नहीं मिल रहा उसको, वो अमीरों की तरह बड़े अच्छे फल सब्जियां नहीं खरीद सकता, भरपेट रोटी नहीं खा सकता, तो वो सस्ती चीज खरीद के, तंबाकू खरीद के खाता रहता है। उससे होता क्या है? माउथ कैंसर हो सकता है, अंदर के जो फेफड़े होते हैं, जो इंटेस्टाइन्स होते हैं, अंतड़ियां होती हैं, सब गलनी शुरू हो जाती हैं। क्या हमारे अधिकारी इस चीज को रोक नहीं सकते? क्या वो जानते नहीं कि हमारे देश के जो ज्यादातर लोग हैं वो गांव में रहते हैं और वो सब इस बीमारी का शिकार है, तो उसको बंद नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन करेंगे नहीं, क्योंकि उनको टैक्स मिलता है। बड़े बड़े जो मैन्युफैक्चरर्स, यानी कि जो जो निर्माता हैं इस तंबाकू के, वो लोग भी पैसा देते हैं, टैक्स देते हैं बहुत ज्यादा, तभी तो बना पाते हैं वो। तो वो क्या कर रहे हैं, एक तरीके से देखा जाए मनुष्य को मार रहे हैं वो लोग। परमेश्वर क्या कहता है? उसको बहुत दुख होता है। एक पिता जब देखता है कि उसका बच्चा मर रहा है, तो उसे तकलीफ होती है कि नहीं होती है? होती है ना, ऐसी परमेश्वर को होती है। कहती मैंने तुम्हें इतना सुंदर शरीर दिया, इतना सुंदर मैंने तुम्हें बुद्धि दिया अच्छा जीवन गुजारने के लिए, लेकिन उसको सब मिलकर बर्बाद कर रहे हैं, उसको बहुत दुख होता है। तो वो कहता है ये पाप है जिसकी वजह से तुम इन चीजों में आकर्षित हो जाते हो और मेरी बात पर आकर्षित नहीं होते हो। पाप, एक ही बात कहता है वो, तुम्हारे अंदर पाप है। और परमेश्वर कहता है मेरे अंदर पाप नहीं है, मैं पवित्र हूं, मनुष्य पापी है, हर कोई, आप भी, मैं भी, ये भी सब पापी है, सबके अंदर कुछ ना कुछ पाप होता है, स्वार्थ होता है, लालच होता है। तो धर्म क्या सिखाते हैं कि देखो ये पाप नहीं है, ये तो प्रकृति है मनुष्य की, उसके अंदर थोड़ा सा गुस्सा होता है, थोड़ा सा लालच होता है, थोड़ी सी नफरत होती है, थोड़ी सी जलन होती है, थोड़ी सी ईर्ष्या होती है, थोड़ा सा व्यभिचार होता है, ये सब प्राकृतिक है। परमेश्वर कहता है ये प्राकृतिक नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमें कैसे बनाया था, उत्पत्ति का 1:26 जो मैंने बताया, अपने स्वरूप अपनी समानता में। क्या परमेश्वर में लालच हो सकता है? क्या उसमें व्यभिचार हो सकता है? क्या उसमें झूठ हो सकता है, बेईमानी हो सकती है? तो उसने हमें अपने स्वरूप में बनाया, अपनी समानता में बनाया, तो हमारे अंदर भी नहीं होना चाहिए था। लेकिन सिर्फ बाइबल सिखाती है कि आदम जो पहला मनुष्य था, जिससे हम सब निकले और आदमी हमारा नाम पड़ा, उस पहले मनुष्य के पाप की वजह से सबके अंदर वो पाप गया। जैसे माँ बाप के गुण बच्चों में जाते हैं, आपकी जो शक्ल होगी वो आपके माँ और बाप से मिलती जुलती होगी, आपके जो रंग होगा, बाल होंगे, आंखें होंगे, वो अपने माँ बाप से मिलती जुलती है, स्वभाव भी जो होता है माँ या बाप से आता है। तो ये जो गुण होते हैं ये हमेशा माँ बाप से आते हैं, पीछे से चला आ रहा है वो। ऐसे ही पाप का जो स्वभाव है, जो आदम में आया था, वो सब मनुष्यों में गया।
उस पाप की वजह से हम अलग हो गए परमेश्वर से। इसकी वजह से हमने क्या किया, अपने स्वार्थ में पड़ के, अपने लालच में पड़ के परमेश्वर की आवाज़ सुनना बंद कर दिया और अपने तरीके से जीवन गुजारने लगे, जिसकी वजह से हमने सब कुछ वो करना शुरू कर दिया जिससे परमेश्वर को दुख होता है। कैसे? हमें लगा कि पेड़ काटने हैं, कागज बनाएंगे या कुछ और बनाएंगे, पेड़ काटते चले गए। परमेश्वर ने बोला नहीं, ये पेड़ तो पृथ्वी की भलाई के लिए है, ऐसे मत काटो इनको, जहां जरूरत होगी वहां मैं बताऊंगा कैसे काटना तुम्हारे को, और उतना ही काटना है। लेकिन मनुष्य ने कहा नहीं, बड़े बड़े बिल्डिंग बना के बेचेंगे, हम पैसा कमाएंगे, काटते चले गए पेड़। आज हालत क्या होगी, पहाड़ रुक नहीं पाते, बारिश हो नहीं पाती, समय से फसल उग नहीं पाती। परमेश्वर तो ऐसा नहीं चाहता था, मनुष्य ने किया। आज सारे के सारे धर्म आपस में लड़ते हैं। जब आप ये कहते हैं कि धर्म हमें परमेश्वर की तरफ ले जाता, तो फिर लड़ क्यों रहे, उसमें झूठ है। देश जो कहते हैं कि हम शांति लेके आएंगे, हमारे जो पड़ोसी देश हैं वही हमसे लड़ने को तैयार है, तो शांति कहाँ उसमें, उसमें झूठ है। लालच चारों तरफ है। आज जो हम यहाँ बैठे हुए कमरे में, यहाँ से जैसे ही हम बाहर निकल के देखेंगे चारों तरफ, हमें दिखाई देगा कि कुछ भी अच्छा ही नहीं है बाहर। भले ही हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, साफ सुथरे रहते हैं, लेकिन बाहर बहुत ज़्यादा बुराई चल रही है। जब अभी नया साल का जो समय आया था, शाम को, रात को जो हुआ था बैंगलोर में, बलात्कार हुए और छेड़छाड़ हुई और ये सब जो अश्लीलता चल रही है हमारे समाज में, हर जगह, संसार में हर जगह चल रही है, सिर्फ भारत में नहीं है। लोग शराब पी के निकल जाते हैं नए साल के शाम को, ये सब क्यों होता है, एक्सीडेंट हो जाते हैं, शराब पी के गाड़ी चला रहे हैं। आपको लगता है कि ये सब परमेश्वर की तरफ से है, ये मनुष्य ने स्वयं किया अपने लालच, अपने स्वार्थ, अपने पाप की वजह से। तो परमेश्वर कहता है कि देखो, तुम्हारे अंदर जो पाप है ना, उससे नुकसान तुम्हें ही हो रहा है, लेकिन दुख मुझे हो रहा है। बच्चा जब कुछ गलती करता है, तो उसको जो तकलीफ होती है उस गलती की वजह से, तकलीफ उसको होती है, अगर वो पढ़ाई नहीं करेगा फेल होगा, उसको मार पड़ेगी टीचर से, लेकिन दुख बाप को होता है। हमेशा ऐसे ही होता है कि मेरा बच्चा बेचारे को मैं कितना समझा रहा हूँ, लेकिन वो समझ नहीं रहा है और हर बार फंस जाता है। और जो बड़ा होता है, कुछ गलत काम करता है, तो उसके वैवाहिक जीवन में तकलीफें आती हैं, कभी उसे पुलिस पकड़ के ले जा रही है, भुगत रहा वो भी है, लेकिन दुख पिता को भी होता है। ऐसे परमेश्वर कहता है कि पाप की वजह से तुम्हें जो तकलीफें हो रही है, तुम्हें हो रही है, लेकिन मुझे दुख हो रहा है, क्योंकि मैंने तुम्हें उसके लिए बनाया नहीं था, मैंने तो तुम्हें अच्छा जीवन जीने के लिए बनाया था। और ये सारा ज्ञान आपको वो नहीं देंगे जो पैसे के दम पर आपकी समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं। एक बार मैं देहरादून गया था इसी कार्य से, परमेश्वर के बारे में बताने के लिए, तो मैं एक मनुष्य को बता रहा था यीशु मसीह के बारे में, जो सच्चा परमेश्वर है। तो उसने बोला, भाई साहब आपकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं कितने पैसे दूं आपको। मैं कहा पैसे क्यों देने आपको मुझे, इसमें मैंने दिखाया उनको, उसमें लिखा हुआ है यीशु ने तुमको सब कुछ मैंने मुफ्त में दिया है, बिना किसी शुल्क के, वैसे ही लोगों में बांटो। मैंने कहा पैसे क्यों चाहिए, परमेश्वर का कार्य है ये, तो मैं पैसे कमाने के लिए अपनी नौकरी करता हूँ, मुझे इससे थोड़ी पैसे कमाने हैं। तो परमेश्वर ने अपने बारे में बताया जो मैं आपको बता रहा हूँ। कहता वो कहता भाई साहब ये तो बड़ी हैरानी की बात है। उसने मुझे दिखाया, उसके बगल में एक बाबा बैठे थे ऐसे पगड़ी वगड़ी डाल के, दाढ़ी वगैरह करके, उनके पास बहुत सारी तस्वीरें रखी थी, माला चढ़ी हुई थी। कहते ये जो बैठा ना आदमी, इसने मेरे से बहुत पैसा लूटा है, मेरी उसकी कुछ समस्या चल रही थी अपनी पत्नी के साथ। कहता इस आदमी ने मुझे अंगूठी भी दी, कह रहा था सोने की, वो बाद में पता चला नकली सोना था। कई चीज़ें उसने उससे पैसे लूट के दिया कि तुम्हारी तकलीफें दूर हो जाएंगी, और दूर नहीं हुई। मैं कहा तो गलती उसकी थोड़ी है, गलती तो आपकी है, आप ही जाके पैसे दिए जा रहे हो, आपको कैसे पता कि वो सच्चा है, वो भी तो आपकी तरह मनुष्य है भाई, उसके पास जाके आप समस्याओं का समाधान ढूंढ रहे हो, वो तो आपकी पत्नी को जानता भी नहीं है। परमेश्वर तो जानता है आपकी पत्नी को, परमेश्वर तो आपके दिल को भी जानता है, उसके पास क्यों नहीं आते। तो वो आर्मी में काम करता था, उसे बड़ी खुशी हुई बता के। तो हमने उसने बैठ के हमारे से 2 घंटे बात करी, कुछ सवाल पूछे, उनके जवाब दिए मैंने। उसने उसके बाद उसके क्या किया मुझे नहीं पता, फिर वो चला गया अपने राह पे। तो हमारा कार्य ये होता है कि परमेश्वर का जो वचन है आपको बताया, ताकि आपके जीवन से जो मेन समस्या है, जो सबसे बड़ी समस्या जो होती है ना मनुष्य की, वो पाप होती है, बाकी सारी समस्याएं छोटी होती हैं। तो मनुष्य कहता नहीं, मैं थोड़ी पापी हूँ, बाकी सारे गलत हैं, मैं सही हूँ, हमेशा उसको ऐसे लगता है, घमंड अहंकार होता है उसके अंदर, उसे लगता है मैं थोड़ी गलत हो सकता हूँ। पति पत्नी के झगड़े में ऐसा लगता है पत्नी गलत है, उसको ही समझ नहीं है, अपनी गलती हम देख नहीं सकते। यीशु क्या कहता मालूम है, वो कहता है कि दूसरे की आंख का तिनका तो तुम बहुत जल्दी देख लेते हो, लेकिन अपनी आंख का लट्ठा तुम्हें दिखाई नहीं देता।
तो वो कहता सबसे पहले अपने अंदर झांको। जो यीशु के पास अगर कोई स्त्री आके कहती है कि मतलब यीशु के दास के पास अगर मेरे पास कोई आके बोलेगी कि आप प्रभु का वचन सुनाते हैं तो मेरा जो पति है वो शराब पी के आता है और वो मुझे मारता है और बहुत अच्छा नहीं है मेरा पति, उसके लिए आप कुछ इलाज निकालो, तो मैं उससे बोलूँगा बहन देखिए सबसे पहले तो आपका इलाज करना ज़रूरी है। तो वो बोलेगी मेरे को क्या प्रॉब्लम है, मैं तो कुछ शराब नहीं पीती, मैं तो कोई दंगा नहीं करती। मैं बोलूँगा आपके अंदर भी पाप है जो आपको दिख नहीं रहा है, क्योंकि बाइबल कहता है सब मनुष्यों के अंदर पाप है। आपको अपने पति का पाप दिखाई दे रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि उसके अंदर पाप नहीं है, लेकिन आपके अंदर भी तो है। पहले आपका संबंध बनेगा परमेश्वर से तो परमेश्वर राह दिखाएगा आपको जहां से आपके पति तक पहुंचेगी परमेश्वर की बात। तो वो लोगों को समझ नहीं आती क्योंकि दूसरे धर्म ऐसा नहीं सिखाते हैं। दूसरे धर्म जो होते हैं, जैसे मैंने बताया था, धर्म क्या सिखाता है, पाप नहीं, नहीं पाप कुछ नहीं है, मनुष्य की प्रकृति है ये, तो आप बस अच्छे काम करते जाओ और भगवान अल्लाह परमेश्वर गॉड जो भी ऊपर है वो आपका भला करेगा। उनसे पूछो भाई अच्छा काम क्या होता है, तो वो गिने चुने 3-4 वाक्य बताते हैं, भाई लोगों की भलाई करो, पड़ोसियों की भलाई करो, गरीबों को खाना खिलाओ, मुसीबत में किसी की मदद करो, किसी का बुरा मत सोचो, ऐसे बता देते हैं वो। लेकिन जो ये बता रहा होता है वो सारे गलत काम वो भी कर रहा होता है। वो किसी पड़ोसी की मदद नहीं कर रहा होता, पड़ोसी से लड़ रहा होता है, वो कभी नहीं जाता किसी गरीब को खाना खिलाने के लिए, वो कभी किसी दूसरे दोस्त की मदद नहीं कर रहा होगा, हमेशा उससे जल रहा होगा अगर ये इसकी तनख्वाह तो मुझसे ज़्यादा है। तो वो झूठ क्यों बोलता है ऐसे, क्योंकि मनुष्य के पास सिर्फ झूठ बोलने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। पर परमेश्वर देखो क्या कहता है, बहुत सुंदर बात कहता है, वो कहता है कि तुमसे मैं संबंध बनाना चाहता हूँ लेकिन तुमने रोका हुआ है क्योंकि तुम्हारे अंदर पाप है। मेरे अंदर क्या है, पाप नहीं है, परमेश्वर के अंदर पवित्र है। उस पाप की वजह से मैं तुमसे संबंध नहीं बना पा रहा। किस वजह से संबंध नहीं बना पा रहा हूँ, वो पवित्र है, उसके अंदर कुछ भी गलत बात नहीं है। तो वो कहता है मैं तुमसे दोस्ती कैसे कर सकता हूँ, मेरे अंदर कुछ गलत भावना कभी आ ही नहीं सकती, इसलिए उस पाप की वजह से मैं तुमसे संबंध नहीं बना सकता। भले ही मैं कितने भी तीर्थ स्थानों में चला जाऊँ या किसी भी धार्मिक स्थल पर चला जाऊँ जहाँ लोग कहते हैं कि यहाँ पर परमेश्वर मिलेगा तुम्हें, कहता कहीं भी चले जाओ तुम्हारे अंदर का पाप तो मुझे दिख रहा है और इसकी वजह से मैं तुमसे संबंध नहीं बना सकता। तो संबंध बनेगा कैसे, अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। समझ लो कि आपका कोई दोस्त आपके साथ धोखा कर देता है, सच में धोखा कर देता है और आपका नुकसान कर देता है बहुत बड़ा, और आपको तकलीफ होती है कि मैंने इतना विश्वास किया इस पे, उसने धोखा दे दिया मुझे, क्या जरूरत थी इसको धोखा देने की, सच भी बता सकता था मुझे ये। ऐसे आप दुखी चल रहे हैं। अब वो दोस्त क्या कर रहा है, रोज आ रहा है आपके पास लेकिन अपनी गलती नहीं मान रहा है, बात भी करेगा आपके साथ, चाय भी पी लेगा, फिर चला जाएगा, फिर अगले दिन फिर आके बैठ जाएगा, और आपको पता है कि इसने जो धोखा किया उससे मुझे कितनी तकलीफ पहुंची है। तो क्या वो संबंध, जब तक वो उस बात को स्वीकार नहीं करेगा कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया दोस्त, मुझे माफ करो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था और आगे से नहीं करूंगा, जब तक वो ये सच्चाई नहीं बात बताता आपको ये वाली, तब तक क्या वो रिश्ता फिर से जुड़ सकता है, कभी नहीं जुड़ सकता वो, क्योंकि अंदर से मुझे मालूम है कि ये बाहर से जुड़े हुए हैं लेकिन अंदर से इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ऐसे ही परमेश्वर कहता है जितने भी तुम धार्मिक स्थलों पर जाते हो वो बाहर का है, अंदर से तुम्हारे अंदर पाप है जिसकी वजह से मैं तुमसे जुड़ नहीं पा रहा हूँ, और उन पापों की क्षमा मांगने को तुम तैयार नहीं हो, अपने अहंकार में चल रहे हो, तुम्हें लगता है कि तुमने कोई पाप नहीं किया। जैसे मैंने बताया था पाप क्या होता है, पाप वो नहीं होता जो मैं करता हूँ, उससे पहले पाप वो होता है जो मेरे मन में आ गया, कुछ भी हो सकता है वो। हत्या तो बाद में होती है, पहले तो नफरत पैदा होती है दिल में, तब तो हत्या होगी ना। तो वो कहता है जो हत्या का जो बीज है वो नफरत है, अगर मेरे अंदर नफरत आ गया मतलब मेरे अंदर पाप आ गया, भले ही मैंने उसकी हत्या ना भी करी हो। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ, वो कहता है हत्या को लोग पाप कहते हैं लेकिन जो अंदर जो नफरत जो दूसरे को दिखाई नहीं दे रही है वो भी तो पाप है। अंदर जो भी बुरी भावना है यीशु कहता है वो पाप होती है और हर मनुष्य में होती है। तो उसका समाधान उसने बताया मैं बाइबल में कि एक तरीका है। मैंने पूछा परमेश्वर ऐसा नहीं हो सकता कि मैं बहुत सी मोमबत्तियां जला लूं गिरजाघर में जाके, परमेश्वर ने कहा उससे तो रोशनी बाहर होगी तुम्हारे दिल में तो नहीं होगी, ऐसे ही मैं दिया जला लूं या कहीं जाके माथा टेक लूं, कहता वो सब दिखावा है, अंदर कैसे साफ होगा। इसको हम पढ़ेंगे अब लूका के 18वें अध्याय में, लूका 18:9-14, भ्रष्ट चुंगी लेने वाले और फरीसी की कहानी।
कौन धर्मी ठहराया गया? मैं बताता हूं इसमें क्या है। इसमें दो शब्द मिलेंगे आपको, एक फरीसी और एक चुंगी लेने वाला। चुंगी का मतलब होता है टैक्स, जो टैक्स इकट्ठा करता है। तो आजकल तो हम लोग टैक्स जाके जमा करते हैं, लेकिन पुराने जमाने में ऐसा नहीं होता था। वो टैक्स इकट्ठा करने के लिए एक आदमी रखा जाता था, अधिकारी, जो आके कर, चुंगी, टैक्स इकट्ठा करता था। आज भी कभी कभी सड़क पर आप जाते हैं तो रास्ते में रोक लेते हैं ना, और टैक्स देना पड़ता है। ऐसे हर चीज़ के लिए टैक्स होता था, तो उसको चुंगी लेने वाला बोलते थे। और जो चुंगी लेने वाले होते थे उस जमाने में भी वो लोग भ्रष्ट होते थे, पुराने समय में भी। क्यों? क्योंकि जो राजा है वो तो बहुत दूर ऊपर बैठा है कहीं पे। जो वो गांव वालों के पास जा रहा है चुंगी लेने के लिए या व्यापारी के पास जा रहा है, राजा को थोड़ी पता वो क्या बात कर रहा है। वो बोलेगा मेरे पास अधिकार है, मेरे साथ 4 घोड़े वाले हैं, तुम्हारा 10 नहीं 15 बनता है। अब वो बेचारा मजबूरी में दे देता है कि अब मैं इससे कैसे लड़ सकता हूँ, ये तो राजा का भेजा हुआ अधिकारी, मैं थोड़ी जा सकता हूँ राजा के पास बताने के लिए कि ये गलत ले रहा मुझसे। तो वो फायदा उठाते थे, इसलिए चुंगी लेने वालों से सब लोग नफरत करते थे और उनको बहुत बड़ा पापी बोलते थे कि ये बहुत पापी होते हैं, ये धन के लालच में हमें लूटते हैं। दूसरे होते थे फरीसी। फरीसी वो लोग होते थे जो शास्त्रीय होते हैं ना, जो परमेश्वर का वचन जिनको पता होता है, और वो पूरे समाज को चलाते हैं परमेश्वर के रास्ते पे। तो फरीसी वो होते हैं, जैसे आजकल के समय में भी होता है ना, बहुत से लोग जो धर्म के ठेकेदार होते हैं, जो अपने आप को ज्ञानी बताते हैं, किसी भी रूप में हो सकते हैं, वो किसी भी कपड़े में हो सकते हैं, और वो कहते हैं हमें पता है कि ऊपर जो है वो कौन है, उसके बारे में हम समझाएंगे तुम्हें। मनुष्य जो अपने कामकाज में इतना फंसा होता है कि उसके पास समय नहीं होता इतना पढ़ना सीखने के लिए, या समय निकालता नहीं है वो, तो वो क्या सोचता है कि ठीक है जो ये बता रहा है वो सही होगा, और फिर वही चल रहा होता है व्यापार। उससे पैसा लिया, कभी कुछ कर दिया, कभी कुछ कर दिया, कभी कुछ कर दिया, कभी उनको घर बुलाते हैं तो भी खाना खिलाना पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं, हर जगह यही चल रहा है। तो फरीसी भी ऐसे ही थे, उन्होंने अपने नियम निकाल रखे थे बहुत सारे, जो परमेश्वर ने भी नहीं बोले थे यहूदियों के लिए। यहूदी जो इसराइल देश में होते हैं, जिसको पैलेस्टीन भी बोलते हैं, तो उनके जो ठेकेदार थे धर्म के, उनको फरीसी बोलते थे, जो ज्ञान भी रखते थे। तो वो भी दबाते थे लोगों को कि तुमने ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, ये करोगे तो परमेश्वर नाराज हो जाएगा, ऐसे बताते तो। लेकिन वो ढोंग ऐसा करते थे कि हम बहुत पवित्र हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं, जैसे आज के समय में होता है, सब ढोंग करते हैं। तो उससे क्या होता था, मनुष्य दबा रहता था। अब कुछ भी कार्य करना हो, धार्मिक, शादी ब्याह कराना हो या कुछ भी करना हो, तो उनकी जरूरत पड़ती थी, इसलिए वो लोग उनकी इज्जत मन में नहीं करते थे लेकिन ऊपर से करते थे, जैसे आज होता है। अंदर से नहीं होती इज्जत, लेकिन बाहर से दिखाते हैं कि हम इज्जत कर रहे हैं, आइए आप हमारे यहाँ, पीछे से भले उसको बुरा भला कहते हैं। तो फरीसी जो होता है वो अपने आप को ऐसे साबित करता है कि मैं बहुत पवित्र हूँ, सबके सामने ढोंग करता है, अंदर से उसके अंदर भी पापी होता है। तो दो तरह के लोग हुए, दोनों पापी हैं, एक फरीसी एक चुंगी लेने वाला। फरीसी वो जो धर्म के बारे में बात करता है, चुंगी लेने वाला एक तरीके से व्यापार करता है, वो लोगों से नजायज पैसा वसूल करता है। तो ये दोनों मनुष्य जाते हैं मंदिर में जहाँ परमेश्वर की आराधना होती है। ये वो मंदिर नहीं थे जहाँ पर, यहूदियों के मंदिर ऐसे नहीं होते जहाँ मूर्तियां बनी होती हैं, क्योंकि परमेश्वर ने सिखाया बाइबल में कि मूर्ति, मिट्टी से मूर्ति बनाना पाप है, मेरे को किसी ने देखा नहीं है तो मेरी शक्ल क्यों बनाते हो। और वो ये कहता है कि मैंने तो मनुष्य को मिट्टी से बनाया है, तुम क्यों मुझे मिट्टी से बनाते हो। इसलिए वो मूर्ति पूजा तो पाप है, लेकिन इनके मंदिर में जो होते थे, जो आराधनालय होते थे इनके, उसमें परमेश्वर की आराधना करते थे और परमेश्वर का वचन पढ़ते थे। तो ये दोनों वहां जाते हैं सीढ़ियां चढ़ के ऊपर। तो यीशु ये कहानी क्यों सुना रहा है, ये बताने के लिए कि तुम्हारी अवस्था क्या है और उससे तुम कैसे बच सकते हो, कैसे मेरा तुम्हारे साथ संबंध बन सकता है, वो इस कहानी में पता चलता है। 9, और उसने कितनों से जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और औरों को तुच्छ जानते थे, यह दृष्टांत कहा। ओके, किसके लिए बताया? जो सोचते थे कि हम तो बहुत धर्मी हैं, हम तो बहुत अच्छे हैं, मैं तो उपवास रखता हूं, मैं तो धार्मिक स्थलों में जाता हूं, मैं तो गरीबों को दान देता हूं, ऐसा जो सोचते थे, यीशु ने कहा नहीं, मेरी कहानी सुनो ध्यान से। तुम परमेश्वर को नहीं जानते हो, ना तुम्हारा कोई संबंध है परमेश्वर से, चाहे वो आप किसी भी धर्म के हो। वो क्या कहता है उसके बाद कि दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। एक फरीसी था, दूसरा चुंगी लेने वाला। अब इनकी कहानी सुनते हैं क्या हुआ। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा कि हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं और मनुष्यों की नाई अंधेर करने वाला
अन्यायी और व्यभिचारी नहीं और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूं। ओके, तो परमेश्वर के सामने वो क्या कह रहा है? वो फरीसी, वो कह रहा है मैं तो बहुत अच्छा हूं, मैं दूसरे लोगों की तरह थोड़ी हूं, आम लोगों की तरह जो भ्रष्ट है, चोर है, झूठ बोलते हैं, ना मैं इस चुंगी लेने के वाले की तरह हूं जो लोगों को लूटता है, मैं तो बहुत अच्छा हूं। प्रभु वो अपने आप को अच्छा समझता है। फिर आगे क्या होता है? मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं, मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूं। तो वो प्रभु के सामने अपनी महिमा कर रहा है। वो क्या कह रहा है कि मैं उपवास रखता हूं। आप खुश होते हैं ना उसे, आपने बोला ना उपवास रखने के लिए, मैं रखता हूं। मैं अपनी कमाई का 10वां हिस्सा जो परमेश्वर ने आज्ञा दिया था, जो परमेश्वर के कार्य के लिए देना चाहिए, वो भी देता हूं मैं, 10वां हिस्सा। क्या कर रहा है? अपनी बड़ाई कर रहा है वो। आगे पढ़ो। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा। ओके, सबसे पहले क्या हुआ? चुंगी लेने वाला, उसको ये लगा कि मैं बहुत गलत हूं, मैं बहुत पापी हूं। उसको लगा मैं तो इस काबिल भी नहीं हूं कि स्वर्ग की तरफ आंख उठाकर देखूं। अपने मन में उसको बहुत ग्लानि हो रही थी कि मैं बहुत ही गलत हूं, मैं बहुत ही बड़ा पापी हूं। अंदर से उसको ऐसा लग रहा था। उसके बाद क्या हुआ? वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मुझ पापी पर दया कर। क्या कर रहा है वो? कह रहा मैं इस काबिल नहीं हूं कि मैं स्वर्ग की तरफ आंख उठाकर देखूं, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं पापी हूं। छाती पीट पीट कर रो रहा है। अब इसको तो शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, चुंगी लेने वाले को, इसलिए उसको यह भी नहीं पता कि प्रार्थना कैसे करनी है। उसको सिर्फ एक चीज पता है कि मैं पापी हूं। वो छाती पीट पीट कर रो रहा है, कह रहा प्रभु मुझे नहीं कुछ पता, मुझे नहीं पता आपका शास्त्र क्या कहता है, मुझे नहीं पता कि प्रार्थना कैसे करनी है, मैंने कोई शास्त्रों की पढ़ाई नहीं करी है फरीसी की तरह, मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैं पापी हूं, मुझ पर दया कर, मुझे क्षमा कर, मैं गलत हूं। मतलब क्या हुआ? उसको इस बात का एहसास हो गया कि मैं गलत हूं, एहसास। तो उसके बाद यीशु ने क्या बोला? मैं तुमसे कहता हूं कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। यीशु ने क्या समझाया? यीशु ने कहा ये जो मनुष्य जो छाती पीट पीट कर रो रहा है, उसको कुछ नहीं आता, उसको कोई धर्म कर्म की बात नहीं आती, उसको कोई रीति रिवाज नहीं मालूम है, उसको कुछ नहीं पता मंत्र कैसे पढ़ाए जाते हैं या प्रार्थना कैसे करी जाती है, लेकिन उसे एक चीज पता है, उसको मालूम है कि वो पापी है। मतलब क्या हुआ? वो जो दोस्त जिसने आपको धोखा दिया था, जो मैंने शुरू में बताया, अगर वो आपके पास आके बैठता है और चुपचाप कहता है कि दोस्त सच बात तो यह है कि मैंने तुम्हें धोखा दिया, मैंने तुमसे बहुत गलत किया, क्या तुम मुझे क्षमा करोगे? तो मेरा सवाल आपसे ये है, क्या आप उसको क्षमा करोगे? करोगे ना उसको, क्योंकि वो सच्चे दिल से माफी मांग रहा है, उसका मन फिर गया और अब वो संबंध जुड़ सकता है, जुड़ सकता है ना, यही एक तरीका है संबंध जोड़ने का। तो परमेश्वर क्या कहता है? वो भी कहता है कि मुझे बाकी कुछ चाहिए ही नहीं, मेरे को सिर्फ इतना देखना है कि क्या तुम माफी मांगने को तैयार हो और अपनी गलती स्वीकार करने को तैयार हो। उसी से तो मुझे पता चलेगा कि तुम्हारा मन वापस फिर गया, अच्छा हो गया तुम्हारा मन। और यही यीशु समझाता है कि परमेश्वर सिर्फ उतना ही देख रहा है, वो कोई धर्म नहीं पूछ रहा तुमसे, भले ही आप कितने भी धर्म में कितने भी धार्मिक कार्य कर लो, लेकिन उस दोस्त की तरह अगर आपने परमेश्वर से क्षमा नहीं मांगी अपने पापों की और ये नहीं स्वीकार किया कि आप गलत हो, तब तक कह रहा मैं संबंध जोड़ ही नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारे अंदर पाप है, धोखा है तुम्हारे अंदर, झूठ है तुम्हारे अंदर, फरेब है, और मैं कैसे उससे दोस्ती कर सकता हूं, परमेश्वर ऐसा बोलता है। लेकिन चुंगी लेने वाले की तरह जिसको कुछ भी नहीं पता था, लेकिन उसे ये पता था कि मैं गलत हूं, उसने जैसे माफी मांगी, परमेश्वर ने कहा तुम्हारा मन साफ हो गया, वो तुम कल मैला कपड़े थे, आज धुल के फिर से साफ हो गए हो, मैं तुम्हें पहन सकता हूं, मेरा तुमसे संबंध जुड़ सकता है। ठीक है, अब जैसे अमित ने बोला कि चलो संबंध तो जुड़ गया, लेकिन वो फिर से धोखा कर सकता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उसके अंदर तो पाप का स्वभाव है आदम का, वो गलत कर सकता है ना, फिर से धोखा दे सकता है ना फिर से। तो परमेश्वर क्या बोलता है इस मामले में? वो कहता है मुझे मालूम है कि तुम्हारा मन फिर गया है और तुम मेरे पास आ गए हो और मेरे साथ रहना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर तो आदम का स्वभाव भी है, पाप भी है, जिसकी वजह से फिर तुम कल मुझसे फिर दूर जाने की कोशिश करोगे, ऐसा हो सकता है। इसलिए उसने बोला क्योंकि सच्चा परमेश्वर सिर्फ मैं हूं, दूसरा कोई नहीं है, जो बाइबल सिखाता है, बाइबल का परमेश्वर जिसको पुराने नियम में यहोवा कहते थे, नए नियम में उसे यीशु मसीह कहते हैं,
उसके अलावा कोई परमेश्वर नहीं है। उसने कहा इसका एक ही समाधान है कि अब से मैं तुम्हारे अंदर आके रहूंगा, क्योंकि तुम्हारा मन साफ हो चुका है। जिसका मन साफ नहीं हुआ, जिसने अपने पापों की क्षमा नहीं मांगी, उसके अंदर आके परमेश्वर रह नहीं सकता। भले धर्म यह सिखाते हैं कि हमारे अंदर तो परमेश्वर रहता है, भाई कैसे रह सकता है, तुम्हारे दिल में तो पाप है, गंदी जगह में परमेश्वर नहीं रह सकता है। जब तुम्हारा मन फिर गया और वो साफ हो गया तो वो आकर रहता, क्यों रहता है? वो कहता है कि मुझे पता तुम कमजोर हो, फिर गलती करोगे, लेकिन अब तुमने मुझे बुला लिया अपने जीवन में अपने पापों की क्षमा मांग के, अब मुझे अधिकार है। क्या आप किसी के घर में बिना बुलाए जाके बैठ सकते हैं? वो तो बड़ा अजीब सा हो जाए कि आपको न्योता ही नहीं दिया, आप उसको जानते नहीं, आप चले गए उसके घर में, दरवाजा खोला, सोफे में जाके बैठ गया आराम से। ऐसा होता नहीं है। जब वो आपको इज्जत से बुलाएगा कि आइए मेरे बेटे का विवाह है या मेरे बच्चे का जन्मदिन है, तब आप जाएंगे ना। ऐसे परमेश्वर कहता है कि मैं तुमसे जबरदस्ती नहीं करूंगा, तुम्हारे अंदर आके मैं तुम्हें चलाने की कोशिश नहीं करूंगा, जब तक तुम मुझे प्रेम से बुलाओगे नहीं अपने जीवन में। और उसको एक ही तरीका जो चुंगी लेने वाले ने किया कि मैं गलत हूं, मुझे क्षमा करो, आप मेरे जीवन में आओ, मैं तो कमजोर हूं, मैं तो फिर से गलती करने वाला हूं, आप आ जाओ। पहली बार चुंगी लेने वाले ने ऐसा किया। इससे पहले वो क्या करता था? लोगों को लूट रहा था, सब नफरत करते थे, लेकिन अंतर आत्मा जो उसको बोलते हैं, जो अंदर होता है, उसके द्वारा परमेश्वर उसे रोज बताता था कि भाई तुम गलत हो, तुम्हारे अंदर पाप है, उससे बचो, तभी तो मेरा संबंध बनेगा। जिस दिन उसने स्वीकार किया, परमेश्वर आके उसके अंदर रहने लग गया। परमेश्वर को और कुछ नहीं चाहिए। वो कहता है इसने मुझे बुला लिया, अब मेरा अधिकार है, अब मैं जाके इसको सही रास्ते पर चला सकता हूं, क्योंकि इसने मुझे बुला लिया। जिसने नहीं बुलाया उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं है। एक बात याद रखना, परमेश्वर कभी जबरदस्ती नहीं करता, क्योंकि जबरदस्ती में प्रेम नहीं होता। तो वो कहता तुमने मुझे प्रेम से बुलाया, मैं आ रहा हूं, और तुमने बोला कि मैं कमजोर हूं, मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। इसलिए बाइबल सिखाता है कि जो यीशु मसीह को अपने जीवन में बुलाता है, क्योंकि वही सच्चा परमेश्वर जिसने मेरे पापों के लिए दंड भी भुगता। चुंगी लेने वाले ने जब माफी मांगी तो परमेश्वर ने क्या बोला? हाँ, यीशु मसीह जो मेरा पुत्र है वो तुम्हारे लिए दंड भुगतेगा, उसको स्वीकार करो। कहने का मतलब यही है। तो जब मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा यीशु मुझे समझ आ गया, मैं पापी हूं, तुमने मेरे दंड भुगत लिया है, तुम मेरे जीवन में आओ, मेरा मार्गदर्शन करो। उसी समय परमेश्वर कहता है मैं अपना पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर छोड़ दूंगा। जैसे मैंने उस मैसेज में बताया था, पवित्र आत्मा उसी समय मिल जाता है। जब पवित्र आत्मा मनुष्य के अंदर आता है तो कोई भूकंप नहीं आता। परमेश्वर जब अंदर आता है कोई भूकंप नहीं आता। बाहर से आपका शरीर नहीं बदलता, कोई आप बेहोश नहीं होते, ऐसा कुछ नहीं होता, कोई आप चिल्लाने नहीं लगते, क्योंकि वो तो आत्मा है। आत्मा जब आया तो क्या होता है मालूम है? परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर कार्य करने लगता है। आपका जो स्वभाव था वो आदम का था, पाप से भरा हुआ था। अब पवित्र आत्मा परमेश्वर का स्वभाव जब आ गया तो वो इस स्वभाव को धीरे धीरे खत्म करने लग जाता है, और ये नया स्वभाव आपका स्वभाव बनता जाता है जो परमेश्वर का है। मतलब क्या? धीरे धीरे आप पापों से अलग होने लगते हैं, अपनी गलतियां हमें नजर आने लगती हैं। दूसरे की गलतियां देखने से पहले मुझे अपनी गलतियां दिखाता है परमेश्वर, कहता देखो तुम्हारे में कितनी कमी है। तो मुझे लगता है हाँ, मुझे नहीं करना चाहिए, वो मेरे को बदलना शुरू करता है। जब मैं बदलने लगता हूं तो मेरी पत्नी या मेरा भाई या मेरी बहन मुझे देखेंगे और बोलेंगे ये तो अच्छा होते जा रहा है, ये कैसे हो रहा है। तो क्या होता है? वो भी अपने आप बदलने लग जाते हैं। यही एक तरीका परमेश्वर ने सिखाया। लूका 6:27 से, परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूं कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करे उनका भला करो। शत्रुओं से प्रेम रखो, ये सबसे पहले यीशु मसीह ने समझाया था। अहिंसा का जो सिद्धांत है वो सिर्फ यीशु मसीह परमेश्वर लेके आया था इस दुनिया में। अहिंसा का सिद्धांत कोई मनुष्य लेके नहीं आया, वो परमेश्वर से आया था, क्योंकि उसी को पता है कि अहिंसा का सिद्धांत ही सबसे अच्छा है, प्रेम का सिद्धांत ही सबसे अच्छा है। मार्क आर्ट से आप कभी भी विजय नहीं हो सकते। मार्क आर्ट से आप किसी को दबा सकते हो, उस पर राज कर सकते हो, लेकिन उसका दिल नहीं जीत सकते। प्रेम से जीत सकते हो, प्रेम से आप उससे विजय हो सकते हो अपने दुश्मन से। ये उसने सिखाया। जो तुम्हें श्राप दे उनको आशीष दो। श्राप काफी लोग देते हैं जी। तो हम क्या करते हैं? अरे किसी का श्राप लगा हुआ है, तांत्रिक के पास चले जाते हैं। मुझे पता है मेरा जो रिश्तेदार है उसने मुझे श्राप दिया हुआ है, या पड़ोसी उसने श्राप दिया हुआ है। परमेश्वर कह रहा है जो तुम्हें श्राप देता है ना उसके लिए प्रार्थना करो, उसके उसका उसका नुकसान मत सोचो। ऐसा कौन कह सकता है? परमेश्वर। जब आप उसके लिए प्रार्थना करोगे जो आपको श्राप दे रहा है या तकलीफ पहुंचा रहा है, परमेश्वर आपका भला करेगा और परमेश्वर उसका दिल भी बदलेगा। धीरे धीरे उसका दिल बदल जाता है।
हमें क्या लगता है कि अगर वो गलत है तो मैं उसको सबक सिखा के छोड़ूंगा, लेकिन वो सबक कभी सीखता ही नहीं है वो, और वो लड़ाई कभी खत्म ही नहीं होती है और बढ़ जाती है। लेकिन परमेश्वर कहता नहीं, क्या तुम्हारा जीवन तो मेरे हाथ में है ना, मेरे बताए हुए रास्ते पर चलोगे तुम्हारा जीवन मैं सुरक्षित रखूंगा, भले वो कुछ भी करे। कोई दुष्ट आत्मा, कोई श्राप आप पर असर नहीं करता जब आपके अंदर यीशु आके रहता है, क्योंकि यीशु परमेश्वर है, परमेश्वर से बड़ा कोई होता नहीं है। दुष्ट आत्माओं को हम लोग निकालते हैं यीशु के नाम से, जैसे मैंने संदेश में बताया था, जब हम जाते हैं गांव गांव में जिनको दुष्ट आत्मा होती है, यीशु के नाम से हम बोलते हैं चला जा, उसको जाना पड़ता है, हर बार जाता है वो। क्यों? क्योंकि उसे पता है यीशु जिसकी बात कर रहे हैं, जो उसके अंदर दिख रहा है, जो जब हम जाते हैं उसको दिखता है कि यीशु मसीह इसके अंदर रहता है, वो डर के चले जाते हैं। लेकिन फिर वो लोग जाके अंधविश्वास में फंसते हैं, फिर मूर्ति पूजा में जाते हैं, तांत्रिकों के पास जाते हैं, फिर दुष्ट आत्मा वापस आती है, फिर वो फोन करके बुलाते हैं हमारे पास्टर्स को कि अरे पास्टर जी वो दुष्ट आत्मा फिर से आ गया। अरे भाई आपको बताया कि अंधविश्वास से बाहर निकलो और सच्चे परमेश्वर को स्वीकार करो, तब तो उसका समाधान निकलेगा, लेकिन आप लोग मानते नहीं है। आप लोगों को दूसरे समझा देते हैं कि भाई अगर तुम यीशु को मानोगे तो ये जो तुम्हारा जो देवता है वो बुरा मान जाएगा, तुम्हारा और नुकसान करेगा। इस अंधविश्वास में पड़ के तुम वापस चले जाते हो वहीं पे, फिर उसके बाद फिर से वो अंदर आके रहने लग जाता है और तंग करता रहता है, कभी आंखें बड़ी हो रही है, कभी जुबान बाहर निकल रही है। एक लड़की थी 15 साल की, जो मैं राजस्थान में जयपुर गया था, उसके अंदर दुष्ट आत्मा 2-3 साल से है, उसको पढ़ाई नहीं करने देता, और वो बेचारी जो गंदगी होती है ना उठा उठा के खाती है सड़क से, वो गोबर उठा के खाती है, उसको पता नहीं चलता दुष्ट आत्मा करवाती है उससे, फिर भी मनुष्य उस जाल से निकलना नहीं चाहता। यहां पे अहिंसा का सिद्धांत जो यीशु मसीह समझा रहा है, वो कहता है ऐसे लोग जो तुम्हें श्राप देते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो, जो तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे उसकी और दूसरा भी फेर दो। जो तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारे उसकी तरफ दूसरा फेर दो। किसने बताया? 2000 साल पहले यीशु ने बोला था, जिसको गांधी जी ने पढ़ा बाइबल में, क्योंकि वो साउथ अफ्रीका में जब गए थे उनको बाइबल मिली थी पढ़ने के लिए, उसको पढ़ते थे वो, उसमें से निकाल के आपको बताया। लेकिन ये नहीं बताया कि यीशु ने बताया ये बाइबल में, सारे हिंदुस्तानियों को मालूम है ये बात, किसी को मालूम नहीं है कि 2000 साल पहले यीशु ने ये बात बाइबल में लिख के दी है। अहिंसा का पूरा सिद्धांत जो आप पढ़ रहे हैं, जिससे हमारे देश को आजादी मिली है, वो यीशु मसीह का सिद्धांत है, क्योंकि वो परमेश्वर है। तो हमको क्या करना है? हमें मनुष्य की बात नहीं सुननी है, उससे पूछना है कि भाई तुम्हें ये सिद्धांत मिला कहां से। अगर उसमें ईमानदारी होगी तो वो बताएगा हाँ मुझे तो बाइबल से मिला था, क्योंकि यीशु मसीह ने 2000 साल पहले लिख दिया था उसमें। लोगों को मालूम नहीं है बात, यीशु मसीह के आज बहुत से दुश्मन हैं। शैतान नहीं चाहता कि मनुष्य का उद्धार हो, मनुष्य के जीवन में अच्छाई आए, वो सबको बर्बाद करना चाहता है, इसीलिए वो यीशु मसीह के खिलाफ काम करता है, इसीलिए वो यीशु मसीह का संदेश कहीं पहुंचने नहीं देता, इसीलिए वो यीशु मसीह का जो क्रूस है, जो क्रॉस जिस पर वो लटका था हमारे पापों के लिए जो दंड भुगता था, उसको बदनाम कर दिया उसने। कैसे बदनाम कर दिया? ये लोग तो धर्म बदलते हैं। मुझे बताओ, चुंगी लेने वाला जिसका मन फिरा अपनी मर्जी से, क्या आप उसका बहला फुसला के उसका धर्म बदल सकते थे? कोई नहीं बदल सकता उसका। अगर वो बदल भी जाएगा, एक धर्म से दूसरे धर्म में चला जाएगा, तो भी मन तो नहीं फिरेगा उसका, मन तो उसने अपनी मर्जी से फिराया है। यीशु मसीह धर्म बदलने की बात कभी नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर का कोई धर्म ही नहीं होता। तो आप क्या बोलेंगे कि मैं एक धर्म से निकल के दूसरे धर्म में चला गया? परमेश्वर बोलेगा मेरे लिए तो ना ये धर्म है ना वो धर्म है, क्योंकि मेरा तो कोई धर्म ही नहीं है, मेरा तो एक ही धर्म है, वो है प्रेम, और मैं सब मनुष्यों से बराबर प्रेम करता हूँ। तो वो कहता है कि मेरे लिए तो मन फिराव चाहिए, मुझे तो मन फिराना चाहिए तुम्हारा। अगर तुम्हारा मन जो काला था पाप की वजह से, जिसकी वजह से तुम नरक की तरफ जा रहे थे, जब वो फिर गया चुंगी लेने वाले की तरह, तो तुम्हारा संबंध मुझसे जुड़ गया। वो तो सिर्फ मन फिराने की बात करता है, लेकिन यीशु मसीह क्योंकि सच्चा परमेश्वर है, जिसने आपके लिए बलिदान दिया, जो आपसे पैसे नहीं मांगता किसी समस्या का समाधान करने के लिए, उसको लोग बदनाम कौन करता है? शैतान। कैसे? ये धर्म बदलते हैं। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो यीशु मसीह के नाम से व्यापार कर रहे हैं आज, वो पैसा भी देते हैं कि तुम ईसाई बन जाओ, हम तुम्हें 10,000 रुपये देंगे। अब वो 10,000 के लालच में बन तो जाएगा, लेकिन क्या उसका मन बदला? तो क्या हुआ? ये सब शैतान करवा रहा है, उससे क्या हुआ? यीशु मसीह बदनाम हो रहा है, उसका क्रूस बदनाम हो रहा है। लोगों को लगता है नहीं ये सब सच्चाई नहीं हो सकती है, लेकिन बाइबल ऐसा नहीं सिखाता है। बाइबल कहता है, यीशु कहता है कि भले कितना झूठ चल रहा हो इस दुनिया में, मेरे बारे में भी लोग झूठ बोल रहे हो, लेकिन जो मेरी भेड़ है वो मेरी आवाज़ सुन लेगी। मेरी भेड़ का मतलब जो परमेश्वर से प्रेम करना चाहते हैं, वो सुन लेंगे मेरी आवाज़, जैसे तैसे पहुंच जाएगी उनके पास,
मैं अपने दासों को भेजूंगा, मैं किताबें भेजूंगा, मैं पर्चे भेजूंगा, उनके पास वो आवाज पहुंच जाएगी और वो स्वीकार कर लेंगे और वो समझ जाएंगे कि जितना भी झूठ फैला हुआ है यीशु मसीह के बारे में उसकी तरफ हमें ध्यान नहीं देना है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह आपसे कुछ मांगता नहीं है बल्कि देता है। ये पूरा अहिंसा का सिद्धांत कि अगर कोई तुम्हारे एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल उसे दिखा दो, जहां से अहिंसा का सिद्धांत शुरू होता है, वो तो यीशु मसीह ने 2000 साल पहले मनुष्य को दे दिया था। उससे पहले पुराने नियम में भी ऐसे लिखा हुआ है भजन संहिता में कि अपने दुश्मनों से प्रेम करो। यहोवा परमेश्वर ने तो आज से जब सृष्टि की शुरुआत हुई थी आदम से लेकर उसने यही सिखाया था, प्रेम, जिसको खुद आदम ने तोड़ा, पाप किया, इसकी वजह से यीशु मसीह को फिर से आना पड़ा और अपने बलिदान के वजह से उसने साबित किया प्रेम तो मैं करता हूं तुमसे। प्रेम का सबसे बड़ा सबूत क्या होता है? बलिदान, अपना त्याग, दूसरे का फायदा करने के लिए अपना नुकसान, उसको बोलते हैं प्रेम का सबूत। अगर मुझे सुबह उठना है किसी काम के लिए, अगर मैं स्वार्थी हूंगा तो मैं अपनी पत्नी को बोलूंगा अरे आप उठ जाओ, जाके वो कर लो सुबह सुबह। अगर मेरे अंदर बलिदान की भावना होगी तो बोलूंगा नहीं, उनको सोने दो, उनको सारे दिन बच्चों को देखना है, मैं सुबह उठ जाता हूँ, जो भी कार्य सुबह का करना है, जैसे कि खाना बनाने की बात नहीं कर रहा मैं, कह रहा हूँ जैसे हमारे घर में भी बहुत से काम होते हैं सुबह सुबह, जैसे वो कचरा लेने वाला आता है, वो घंटी बजाता है एकदम सुबह सुबह आता है, तो मैं सोच सकता हूँ अरे मेरा काम थोड़ी है, मैं तो सोता रहूँ, या मैं ये सोच सकता हूँ कि नहीं उनको सोने दो, मैं उठ के जाकर रख देता हूँ कचरा बाहर। बलिदान है थोड़ा सा उसमें, लेकिन उसमें प्रेम होता है। अगर मैं वो नहीं कर रहा तो मेरे अंदर बिल्कुल प्रेम नहीं है, मैं बस स्वार्थी हूँ, अपना ही भला देख रहा हूँ मैं। तो बलिदान सबूत होता है प्रेम का। सबसे बड़ा सबूत जो होता है वो है अपनी जान देना, अपना अपना पूरा बलिदान देना, अपना जीवन दे देना। वो यीशु मसीह ने किया, और किसी ने किया ही नहीं। अगर कल को कोई मुझे कहता है कि भाई परमेश्वर तुमसे बहुत प्रेम करता है तो मैं बोलूंगा क्या सबूत है? तो यीशु मसीह बोलेगा मैंने अपना लहू दिया तुम्हारे लिए। दूसरा क्या बोल सकता है मेरे सामने? कुछ नहीं, क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं। पहली बात तो वो है ही नहीं, अगर होते तो बलिदान करते, होते तो प्रेम दिखाते मुझे, तो ऐसा कोई है ही नहीं। तो यीशु मसीह ने वो बलिदान दिया, उसने अहिंसा का सिद्धांत दिया, और वो बोल रहा है चुंगी लेने वाले को कि तुम्हारा मन साफ हो गया, अब मैं तुम्हारे अंदर रहूंगा। मुझे मालूम है कि तुमसे गलती होगी, लेकिन मेरा जो आत्मा तुम्हारे अंदर आ गया है वो तुम्हें अब सिखाएगा एक नया स्वभाव परमेश्वर का, जो किसी और धर्म में आपको मिलेगा नहीं, सिर्फ यीशु मसीह में मिलेगा। मैंने जैसे बताया था यीशु मसीह के नाम से भी लोगों ने धर्म बना लिए हैं, जो मैंने चित्र दिखाए थे, उसमें भी नहीं मिलेगा आपको, उसमें भी पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें भी मन फिराव नहीं हो रहा है, वो खाली बस रीति रिवाज निभा रहे हैं, यीशु के नाम से ऐसे 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 करते हैं वो सब लोग, उससे कुछ नहीं होता है। तो फिर आई नहीं, मन में तो यीशु गया ही नहीं। तो जिसका मन फिर गया, परमेश्वर कहता है अब तुम मेरे संतान वापिस बन गए हो, तुम शैतान के पास थे, पाप में जी रहे थे, मृत्यु की तरफ जा रहे थे, नरक की तरफ बढ़ रहे थे, मैंने तुम्हें वापिस खरीद लिया अपने लहू से, अब तुम मेरी संतान हो, मेरा बच्चा हो, मैं देखभाल करूंगा तुम्हारी और गलत रास्ते से तुम्हें बचाऊंगा। ऐसे बहुत से लोग हैं जो यीशु मसीह में आए, भले वो किसी भी धर्म के हो, धीरे धीरे उनकी सारी बुरी आदतें अपने आप परमेश्वर ने छुड़ा दी, जो वैसे नहीं छोड़ पाते थे वो। कभी कभी क्या होता है, दवाइयां मिलती है, अगर कोई शराब की जिसको लत लगी है तो उसकी दवाइयां खाते हैं कुछ लोग, दवाइयों से कभी कभी लाभ भी होता है, लेकिन कुछ समय बाद वो वापस आ जाता है। उसने 6 महीने 1 साल के लिए छोड़ दिया, फिर किसी दोस्त ने एक दिन बिठा लिया, फिर से शुरू हो गया। लेकिन जब पवित्र आत्मा आ जाता है तो वो आपको अंदर से साफ कर रहा है, आपकी सोच बदल रहा है, आपका मन बदल रहा है और आपका जीवन भर रहा है। तो आपके अंदर खालीपन है ही नहीं, अब मन में शांति आने लग गई है, तो लगता है शराब की क्या जरूरत है, परमेश्वर से मुझे शांति मिल जाती है, तो उसका शराब अपने आप छोड़ जाता है। तंबाकू या जितने भी बुरी आदतें हैं, मन के बुरे विचार, व्यभिचार, लालच कम होने लगता है। समय लगता है, बच्चे को बड़े होने में समय लगता है, ऐसा तो नहीं होता कि बच्चा जो है पहले हफ्ते में पैदा हो जाता है उसको 9 महीने लगते हैं, पेड़ को बड़े होने में समय लगता है। प्रकृति हमें सिखाती है कि हर चीज़ में समय लगता है। ठीक उसी तरह मनुष्य का जब एक स्वभाव जो आदम का था उसमें दूसरा स्वभाव जब आ जाता है और उसमें परमेश्वर कोई जबरदस्ती नहीं करता, धीरे धीरे उसे प्रेम से सिखाता है, समय लगता है यीशु मसीह में बढ़ने में। कैसे बढ़ते हैं हम? उसने सब कुछ लिख के दिया है, उसने बताया इस किताब में, बाइबल में, कि यीशु मसीह का चरित्र क्या है, उसकी योजना क्या है मनुष्य के लिए, और धीरे धीरे आप उसमें कैसे आगे बढ़ेंगे। तो कुछ लोग सोचते हैं कि अरे अब यीशु मसीह में चले गए इसका मतलब क्या कुछ काम धंधा नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ यीशु ला के घर में दे देगा। ऐसा तो उसने बोला ही नहीं है बाइबल में, क्योंकि पहले मनुष्य को तो उसने बोला था कि तुमने मेरी आज्ञा तोड़ी, इसलिए सारा जीवन तुम्हें पसीना बहा कर तुम्हें रोटी मिलेगी।
पहले ही बोल दिया उसने, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुमने बिगाड़ दी मेरी योजना, मैं तुम्हें हमेशा के लिए जीवित रखना चाहता था और अपने परिवार में रखना चाहता था, तुमने बिगाड़ दी, तुम्हें तकलीफ होगी लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, ये उसने बताया। तो कभी कभी लोग पूछते हैं कि अगर मैं यीशु मसीह में आ गया तो मैं संसार से अलग हो जाऊंगा और मैं बिल्कुल साधु बाबा योगी जैसे बन जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप फैक्ट्री में काम करते रहेंगे, लेकिन उसी फैक्ट्री में परमेश्वर आपको अच्छाई से काम करने की के लिए प्रोत्साहित करेगा और ईमानदार बनाएगा, और आपके चारों तरफ जो बुराइयां वो धीरे धीरे दिखाएगा। वो यानी कि मेरे वो जो दोस्त जो मुझे बुरी संगत में डालते थे, धीरे धीरे मुझे मेरा मन उनसे हटने लग जाएगा और मेरा मन इस तरफ आने लग जाएगा जहां लोग वचन सुनते हैं, जहां लोग एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, तो मैं अपने आप बदलने लग जाऊंगा। उससे कुछ नुकसान भी होते हैं, फायदा तो हमारे को हो रहा है और हमारे साथ वाले लोगों को हो रहा है, लेकिन बाहर से जो लोग होते हैं जो हमारे दोस्त थे पहले, वो नहीं आना चाहते यीशु में, वो बुरी आदतें नहीं छोड़ना चाहते, धीरे धीरे बोलेंगे अरे ये तो बदल गया, ये तो बड़ा साधु संत किस्म का हो गया है, अब इसके साथ बैठ के कुछ बात करने में मजा नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि वो तो सांसारिक बातें कर रहा है जो व्यर्थ है और पाप में डूबी हुई बातें हैं। आप उसी तरफ आ गए तो अपने आप ही अलग हो जाते हैं वो, तो ये भी हो सकता है, लेकिन वो नुकसान अच्छा है क्योंकि वो हमें बचा रहा है। क्योंकि एक दिन जब हम मरेंगे तो वो दोस्त थोड़ी मेरे साथ होने वाले हैं, वो रिश्तेदार थोड़ी मेरे साथ होने वाले हैं, मेरे सामने तो सिर्फ प्रभु खड़ा होगा, परमेश्वर जिसने मुझे बनाया है, वो पूछेगा कि तुमने जो पाप किया उसका क्या होगा, तो मैं उसका समाधान पहले सोचूं ना, जो मेरा अनंत काल का जीवन है। हम लोग खाली इसी संसार के लिए तो आया नहीं है सिर्फ, यहाँ से तो हमें जाना ही है, और कब जाना ये पता नहीं है। हम जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, हमें क्या गारंटी कि हम अगले हफ्ते जीवित रहेंगे? सोते सोते लोगों का हार्ट अटैक हो जाता है, उसको पता भी नहीं चलता, सुबह उसकी आँख नहीं खुलती, एक्सीडेंट हो जाते हैं, अचानक डॉक्टर बोलता है कि तुम्हारे पेट में कैंसर है, अब तुम 2 महीने से ज़्यादा नहीं जियोगे। कितने दोस्त, कितने पड़ोसी हमारे, कितने रिश्तेदार ऐसे मर गए। हमारे एक पड़ोस में थी, वो ट्रेन में आ रही थी, ज़्यादा उम्र नहीं थी उनकी, 50 साल से कम थी, उनका हार्ट अटैक हो गया ट्रेन में। अब कोई डॉक्टर नहीं, कोई हॉस्पिटल नहीं, कुछ नहीं, क्या करें? अगला स्टेशन जब तक आएगा नहीं, कुछ हो नहीं सकता, तब तक उनका देहांत ही हो गया, क्या कर लेंगे हम? एक और मेरा दोस्त था जो 25 साल की उम्र में मारा गया, उसके दोनों किडनी में पानी आ गया, भर गया, अब कुछ इलाज ही नहीं उसका, वो मर गया। तो हम ऐसा कैसा सोच लेते कि हम नहीं मरेंगे, हम भी तो मर सकते हैं ना। तो वो यीशु मसीह वही समझाता है कि तुम्हारा जो प्राण है, सोल जिसको बोलते हैं, उसकी तरफ ध्यान दो। शरीर तो जाने वाला ही है मिट्टी में, आज नहीं तो कल। पाप से जब बच जाओगे तो तुम्हारा स्वर्ग अनंत काल का जीवन पक्का हो गया, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें स्वीकार कर लिया, क्योंकि तुमने मन फिरा लिया चुंगी लेने वाले की तरह, और अब तुम्हारा जीवन बदलने लगेगा, उसमें से अब खुशबू निकलने लगेगी, पाप जाने लगेंगे और दूसरे लोग उस खुशबू को महसूस करने लगेंगे धीरे धीरे करके। वो आनंद, वो शांति लगता है कि चलो मेरे भाइयों में भी जाए जो मैंने महसूस किया, उस सच्चाई को जिसके सहारे में चल सकता हूँ, मुझे उठाएगा परमेश्वर, अब मुझे बचा के रखेगा, मेरे लालच को ख़त्म करता जाएगा, वो मेरी बुरी आदतों को ख़त्म करेगा, लेकिन मुझे संभाल के चलाएगा वो, और मेरी सारी ज़रूरतों को पूरी करेगा। तो जब हम चुंगी लेने वाले की तरह कहते हैं, यीशु मैंने सुना आपके वचन के बारे में, मैं धर्मों में भटक रहा था, सोच रहा था यहाँ शांति मिलेगी, वहाँ मिलेगी, इसके पास मिलेगी, वहाँ पैसा खर्च कर रहा था, कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन मुझे आपके वचन में सच्चाई लगी, मुझे दिखाई दिया कि आपने बलिदान दिया, अपने लहू से मुझे बचाया, नरक से भी बचाया, पाप से भी बचाया, और आपने वादा किया बाइबल में कि आप मुझे पवित्र आत्मा देंगे अगर मैं सच्चे मन से आपको स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं अपने पापों की क्षमा मांग कर आपको अपने जीवन में बुलाना चाहता हूँ, आप आइए और मेरा मार्गदर्शन कीजिए। ये प्रार्थना जिस दिन आप सच्चे मन से करेंगे, उसी समय परमेश्वर कहता है कि आपको पवित्र आत्मा मिल जाएगा, उसी दिन से आप बदल गए, आप मृत्यु से जीवन की तरफ आ गए, उसी दिन से आप परमेश्वर की संतान बनते हो, उससे पहले नहीं, उससे पहले तो सिर्फ आप उसकी सृष्टि हो, लेकिन परमेश्वर की संतान नहीं हो, क्योंकि परमेश्वर की संतान में मृत्यु नहीं होती, क्योंकि परमेश्वर में मृत्यु नहीं होती। तो जैसे ही आप इधर आ जाते हो, वहां से उस दिन से कुछ ना कुछ बदलाव धीरे धीरे शुरू हो जाते हैं, और 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद आप देखेंगे कि अब तो मेरा मन ही बदलने लग गया, तो मेरी सोच भी बदलने लग गई है, सब कुछ बदल रहा है मेरे जीवन में चारों तरफ, काम मैं फैक्ट्री में कर रहा हूँ या तो इस फैक्ट्री में या किसी और जगह पे, लेकिन मेरी सोच बदलने लग गई, और धीरे धीरे मैं प्रार्थना कर रहा हूँ यीशु मसीह से, और मेरी समस्याओं का कुछ ना कुछ समाधान निकलते जा रहा है अपने आप, क्योंकि यीशु चाहता है कि उन समस्याओं का समाधान हो, यीशु चाहता है कि आप धीरे धीरे, वो समस्याएं उसने क्यों दी? ताकि उन समस्याओं से परेशान होकर आप सोचो कि परमेश्वर तू कहाँ है, उसको ढूंढे, नहीं तो मनुष्य ढूंढता ही नहीं है, अगर उसको, वो हमेशा आपकी इच्छाएं पूरी करता रहेगा, आपको कोई जरूरत नहीं है उसकी।
जहां वो आपको तकलीफ में डालेगा वहां ढूंढोगे आप कि है कौन तू, परमेश्वर मेरा इतना बुरा हाल क्यों है। तो दो तरह के लोग होते हैं, एक तो जो श्राप देते रहते हैं कि नहीं कोई भगवान नहीं है, कोई परमेश्वर नहीं है, मैं नहीं जानता किसी को, सब सब दुष्ट है, मेरे जीवन का बहुत बुरा हो रहा है। और दूसरे जो होते हैं वो कहते हैं नहीं परमेश्वर, मुझे ये तो पता है कि आपने सृष्टि बनाई है, चांद तारे बनाए, मुझे बनाया, आप हो कहीं ना कहीं पे, लेकिन मुझे दिखाई नहीं दे रहे हो, क्या आप आ सकते हो, क्या आप मुझसे मिल सकते हो। ऐसी प्रार्थना जब आपके दिल में इसीलिए आती है क्योंकि तकलीफें होती है जीवन में। और यीशु कहता हाँ मैं तो आया ही सिर्फ इसलिए था तुम्हें बचाने के लिए। घर जाके सोचिए, मनन कीजिए इस संदेश पर कि धर्म हमें नहीं बचा सकते, हमारे अच्छे कर्मों के बावजूद भी हमारे अंदर पाप होता है जिसकी वजह से परमेश्वर हमसे जुड़ नहीं पाता है, भले ही कोई कुछ भी सिखाए। लेकिन जैसे चुंगी वाले ने किया, मैं बोलूंगा मुझे नहीं पता धर्म कर्म क्या होता है, मुझे नहीं पता अच्छे काम क्या होते हैं, मुझे इतना पता है कि मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा करो और मुझे बताओ सही रास्ता क्या है, यीशु मसीह तू मेरे जीवन में आ। ऐसी प्रार्थना जिस दिन आप करेंगे वहां से आपका जीवन बदलेगा। आमीन।